चंगेज खान के साथ भी नहीं होता होगा। मैम ये बताइएगा, मैम ये बताइएगा कि आपकी बेटी, ये बताएं कि आपके चेहरे पे बड़ा सुकून और तमानियत महसूस हो रही है, तो ये बताएं क्या वजह है, क्या मोटिवेशन है? आप यकीन करो कि 14 माह में मैं रही थोड़ी डिस्टर्ब रही, ठीक है, बच्चे उसके छोटे थे जब देखे, आज मेरी हंसी नहीं रुक रही, पूछें क्यों? सिर्फ ये पुलिस देख के, सिर्फ पुलिस देख के, इसके अलावा और कोई नहीं है कि 5 फुट 4 इंच की मेरी बच्ची ने इतनी थरथली मचा दी। तो आज मुझे लगा कि मैंने बेटी तो पैदा ही नहीं की भाई, मैंने तो चंगेज खान पैदा किया। अच्छा, हाँ जी, बेटी इस वक्त हीरो बन चुकी है, पूरी दुनिया में उनको देखा जा रहा है, तो फख्र महसूस कर रही हूँ बहुत ज्यादा, उस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ जिसने बिन मांगे इतना बड़ा उसको हीरो बना दिया। इमरान खान कहते हैं चाहे सुबाई में आए चाहे कौमी में आए, सनम का फैसला सनम के लिए यह है कि मैंने कभी ना ट्वीट श्वीट नहीं की, लेकिन मैं कोई भी आप जैसा बच्चा जो ट्वीट करता है ना, जब तक मैं रीट्वीट ना कर लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। अच्छा, इमरान खान के लिए क्या जज्बात है आपके? वो भी कहते हैं स्टार्ट में उसे मुझे कुछ नहीं आता था, ये मोबाइल शिमाइल ये मैंने सीखा ही उस वजह जब से मेरी बेटी पकड़ी गई। तो मैंने कहा था कि दिल जिगर नजर क्या है, हम तो खान तेरे लिए जहाँ भी दे दें, जिगर मेरा बल ही दिया हुआ 14 माह से, तो अब खान कहेगा तो जहाँ भी दे दें। चारों तरफ से उनको फुल सिक्योरिटी दी जा रही है, फुल प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर लाया जा रहा है, बड़े बड़े सियासतदानों को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जितना इस वक्त सनम जावेद को मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड डिस्कस किया जा रहा है सनम जावेद को इस वक्त। मैं दो सेकंड में कभी किसी औरत के साथ इस तरह का मिसबिहेव किया नहीं गया, किसी औरत को 14 मुकदमात में 4 दफ़ा डिटेंशन ऑर्डर इशू करना और खौफ का ये हालत होना कि पाकिस्तान की पूरी रियासत अगर ये महसूस करे कि एक लड़की का ये कह देना कि तुम लोगों ने मेरे लीडर के गिरेबान में हाथ डाला है, तुम्हारी ऐसी तैसी, ये जुर्म है, या ये कह देना कि तुम मेरी हमारे पैसों पे मेरी दिए हुए टैक्स से सैलरियां लेके हम पे जुल्म कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी तैसी। अच्छा माजी, आप चाय बनाए मुझे बड़ी खुशी होगी, वैसे मैंने कभी किसी से नहीं पी। अच्छा, मुझे लेकिन आजकल हमें चाय की बड़ी दावत मिल रही है जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। अच्छा, मुझे ये बता दें, उसका जवाब आप ही दे दें, उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद रहा हो कि आप सनम को लेके घर वापस जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपने कभी देखा होगा, आप लोगों ने बच्चों ने कहां देखा होगा, मैंने देखा हुआ है, वो दिए जल रहे होते हैं ना मजार पे, वो जब एंड होता है तेल का फुटफुट 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 करते हैं, ये वो वक्त चल रहा है। और आज आपने उनके वकील की देखी है कॉन्फ्रेंस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लगता था आखिरी टाइम होगा, इतनी फुटफुट फुटफुट फुट कर रहे हैं दिए सारे। देखिए जी, सनम जावेद की ये वाला मौजूद थी, इसके अलावा वालद और ये उनके शोर भी मौजूद हैं, ये वो बाहिमत लोग हैं जिनकी वजह से सनम भी मजबूत दिखाई देती है। आपको अपडेट देते रहेंगे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।